तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एच के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो वी 11 प्रो का कैमरे का गूगल कैमरे से। जी हाँ दोस्तों, गूगल कैमरे की काफ़ी ज़्यादा मांग है। लगभग 80% वीवो के यूज़र्स हमेशा यही बोलते हैं कि काश वो गूगल कैमरे यूज़ कर पाए हैं अपने वीवो के फ़ोन में, और हालांकि ये अभी तक इंस्टॉल नहीं कर पाता है कोई भी, और कुछ आगे शायद कर पाएंगे, बट अभी फ़िलहाल गूगल कैमरा नहीं चलता है वीवो वी 11 प्रो में। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोग क्यों चाहते हैं गूगल कैमरे को यूज़ करना वीवो फ़ोन में, और क्यों गूगल कैमरे के लिए ज़्यादा गूगल कैमरे के पीछे भागते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और सारा टेस्ट करेंगे, जानेंगे क्या खूबी है और क्या नहीं, सारा सच आज हम इसी वीडियो में जान लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं, पहला जो फ़ोन है मेरे पास ये वीवो वी 11 प्रो है, और सेकेंड फ़ोन जो है ये वाला वो रेडमी नोट 7 प्रो है। तो अब इसके बैक कैमरे की बात कर लेते हो तो यहाँ पर मिल जाता है 48+5 मेगापिक्सल का रेडमी नोट 7 प्रो में, और हम वीवो की बात करें तो वीवो में आपको मिल जाता है बैक में 12+5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है वीवो में, और 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है रेडमी नोट 7 प्रो में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस हम इसके कैमरे की। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये गूगल कैमरा मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको वीवो वी 11 प्रो का कैमरा भी इंस्टॉल कर ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे जो आईज म्यूट लगा रखा है तो मैं उसको भी क्लोज कर देता हूँ, जिससे कि आपको डिस्प्ले में आपको कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आए। ठीक है, तो मैं यहाँ से आईज म्यूट को क्लोज कर देता हूँ। अब जो शैम आपको नज़र आने वाला है, जो भी डिफरेंट रहेगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो, तो मैं बॉक्स को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, जिससे कि देखिए गाइस यहाँ पे जो आपको मैंने दोनों कैमरे ओपन कर लिए हैं, और यहाँ पे कलर जो वेस्ट मिल रहे हैं देखने के लिए गाइस, वो आप खुद ही चेक देख सकते हैं कि जो कलर मिल रहे हैं नॉर्मली, जो नॉर्मल कलर हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं वीवो वी 11 प्रो में। काफ़ी अच्छे कलर और सार्क कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको लाइट कलर मिल रहे हैं जो कि अच्छे हैं, पर इतने खास ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं वीवो वी 11 प्रो के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे जो है वीवो वी 11 प्रो के कलर यहाँ पे कैमरे के काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक सेल्फी कैप्चर कर लेते हैं, तो सॉरी सेल्फी नहीं, एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस मैंने क्लिक कर ली है, और उसके बाद हम यहाँ डिटेलिंग चेक कर लेते हैं किसकी बेस्ट आपको देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं मैंने कोई भी दोनों फ़ोटो को सेम टाइम पर सेम क्लिक करा है, तो आप देख सकते हैं जो डिटेल जो आ रही है आप देख सकते हैं वीवो वी 11 प्रो की काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको डिटेल मिल रही है, जबकि रेडमी नोट 7 प्रो की आपको डिटेल अच्छे से नहीं मिली। शायद ये फ़ोटो अच्छे से क्लिक नहीं हुई, हम दोबारा से एक फ़ोटो फिर से क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए, तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो कलर और क्वालिटी जो आई है काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो आपको देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और देखने को वो आपको रेडमी नोट 7 प्रो में ही, सॉरी वीवो वी 11 प्रो में ही देखने को मिल रही है। जबकि आप देख सकते हैं रेडमी नोट 7 प्रो के कलर कितने हल्के दिखाए गए हैं, और वीवो वी 11 प्रो में काफ़ी ज़्यादा हाई कलर आपको देखने को मिल रहा है, और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोग कहते हैं कि गूगल कैमरे की फ़ोटो नहीं फटती है, तो ये सच ही है गाइज। लेकिन तो अभी हम यहाँ पर वो भी टेस्ट कर लेते हैं, तो फ़ोटो नहीं फटती है नहीं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि फ़ोटो तो बेशक नहीं फटती, लेकिन गाइज यहाँ पे हम रेडमी नोट 7 प्रो फटने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। देख सकते हैं हमने वीवो वी 11 प्रो की फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा जूम कर ली है, बट फोटो यहाँ भी नहीं फटी है आपको देख सकते हैं। और गाइज अब बात कर लेते हैं रेडमी नोट 7 प्रो की, तो वीवो वी 11 प्रो की जो फ़ोटो तो यहाँ फटी नहीं रही है, लेकिन अगर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर रेडमी नोट 7 प्रो की, तो इससे ज़्यादा हम जूम नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज जाहिर सी बात है कि फटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जब जूम ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा गूगल, इतनी ज़्यादा अगर हम जूम नहीं कर सकते तो गूगल का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि गूगल कैमरे से बेस्ट है हमारा वीवो वी 11 प्रो का कैमरा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके, तो गाइस यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड तो इसमें काम कर ही नहीं रहा, चिपक जाता है, देख सकते हैं यहाँ चिपक गया है। और अगर हम इसके पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो चलिए पोर्ट्रेट मोड पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अच्छे से वर्किंग करता हो, लेकिन वहाँ पर पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम छोड़ सकते हैं, पूर्णिमा में अगर जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम फ़ोटो लेते हैं पूर्णिमा में, तो यहाँ पे भी हम अच्छी फ़ोटो ले पाएंगे रेडमी नोट 7 प्रो से अच्छी वीवो वी 11 प्रो में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको कलर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके
रियर फ्रंट कैमरे की। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ में मैंने फ़र्क देखा है यहाँ पे कैमरे में, जो कि डार्क मोड में। जी हाँ दोस्तों, डार्क मोड में हम कह सकते हैं जो गूगल कैमरा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने फ़िलहाल, मेरे पास कोई फ़ोटो इसकी नहीं है, शायद हो तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं, मैं फ़ोटो देख लेता हूँ एक बार कि गूगल कैमरे की अगर रात नाइट में की फ़ोटो अगर मुझे मिल जाती है तो मैंने शायद शूट तो की थी, तो होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई जी मेरे पास यहाँ पे नाइट मोड की फ़ोटो देखने को नहीं मिल रही है। जबकि मैंने गाइस मैंने टेस्ट किया था रात को अपने कैमरे में, तो वहाँ पे मुझे जो नाइट मोड पे अगर मैंने जब फ़ोटो क्लिक की थी तो काफ़ी बेहतर मुझे देखने को मिल रही थी। जो कलर थे ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रहे थे वीवो B11 प्रो के कैमरे से। तो हम कह सकते हैं नाइट मोड के हिसाब से गूगल कैमरा अगर इंस्टॉल हो जाता है वीवो में तो काफ़ी अच्छी बात है गाइस। लेकिन अदरवाइज हम नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वीवो B11 प्रो का कैमरा काफ़ी अच्छा है गूगल कैमरे से वीवो B11 प्रो का कैमरा काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, नाइट मोड में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको स्लो मोशन का भी मिल जाता है ऑप्शंस, और फोटो बूट वगैरह, फोटो स्पेयर वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हालांकि वीवो B11 प्रो में इतने फ़ोटो शूट करने के आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो गाइस मेरे हिसाब से तो यही है कि वीवो B11 प्रो का कैमरा बेस्ट है गूगल कैमरे से। बस गूगल कैमरा जो आ गया है सिर्फ और सिर्फ नाइट मोड के हिसाब से थोड़ा सा बेस्ट है, वरना फ़ोटो नहीं फटती है ऐसा कुछ नहीं है गाइस। फ़ोटो फटने का हिसाब नहीं होता, देखा नहीं आपने, मैंने आपके सामने फ़ोटो ली लेकिन यहाँ पे नोट से आगे फ़ोटो हम जूम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम वीवो B11 प्रो में काफ़ी ज़्यादा देखिए कितनी दूर से खींचा है फिर भी हम फ़ोटो अच्छे से जूम कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है हमें फ़ोटो को देख सकते हैं जूम करने में, और काफ़ी अच्छे हिसाब से हम फ़ोटो जूम कर पा रहे हैं देख सकते हैं। तो वीवो B11 प्रो कैमरा बेस्ट है गाइस और गूगल कैमरे से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, आपको किसका कौन सा कैमरा बेस्ट लगा, वीवो B11 प्रो का कैमरा या फिर गूगल का, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।